एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आवंटन से संबंधित और हड़ताल अवधि डीए अंतरराशि वेतन भुगतान से संबंधित सूचना। सबसे पहले हम देखते हैं वेतन अपडेट में पटना जिला का कल एसएसए मद से माह नवंबर का भुगतान हो गया है, तो इस संबंध में कुछ शिक्षक साथियों का कमेंट में कहना है कि ऐसे आवंटन आ गया जो वहां का नवंबर माह का भुगतान हो गया। तो उन सभी शिक्षक साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि जब भी डिमांड जिला से मांगा जाता है तो पटना जिला के सभी संघीय पदाधिकारी अपना दबाव बना के रखते हैं जिला पदाधिकारी पर, और वहाँ से जितना आवश्यकता होता है आवश्यकता से ज़्यादा का डिमांड किया जाता है, इसलिए वहाँ पर राशि ज़्यादा रहती है। और 300 जिला में एक ऐसा पटना जिला है जहाँ हमेशा एक माह का अधिक भुगतान होता है। और हड़ताल अवधि से संबंधित भुगतान के भागलपुर जिला से एक कमेंट आया है हड़ताल अवधि का भुगतान के संबंध में। तो हड़ताल अवधि और डीए जो है तो इस संबंध में मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये जिला संघीय पदाधिकारी के ऊपर निर्भर है। जब तक जिला संघीय पदाधिकारी नहीं चाहेंगे हड़ताल अवधि या डीए अंतरराशि का भुगतान कराना, तब तक ले संभव नहीं है। इसका अलग से कोई अभी पैसा आने की उम्मीद नहीं है। और इसके बाद हम जान लेते हैं अलॉटमेंट से संबंधित सूचना। तो अभी मेरी दूरभाष से बात हुई प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष मनोज जी से, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि ट्रेजरी में एक माह का बिल गया है, वो भी कॉल किए हुए थे ट्रेजरी में। उर्मिला जी से उनकी बात हुई है, अगर सब चीज ठीक ठाक रहा तो अगले सप्ताह में एक माह का आवंटन सभी जिला को भेज दिया जाएगा। और जियो भी मद से मनोज जी के भी पास कोई सूचना प्राप्त नहीं है। जैसे ही जियो भी मद से सूचना प्राप्त होगा आप सभी को मैं देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए चैनल पर बने रहे, वीडियो में इतना बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।